हाथ टूटा है, ठीक है। आप लोग सभी नीचे बैठ जाओ, इधर भी भाई सब नीचे बैठ जाओ, ठीक है। भैया की बात सुने, वीडियो वीडियो तो सब आ जाएंगे आपके पास। बहन कन्नौज भाई जय जोहार, जय आदिवासी। साथियों, आज आप हम सब लोग यहाँ पर हमारी जो बहनों की हत्या हुई है, हमारी एक माँ की हत्या हुई है, हमारे एक छोटे भाई की हत्या हुई है, इसलिए उनको संबल देने आए हैं और यहाँ के एसपी की उसकी औकात दिखाने आए हैं। यहाँ का पुलिस प्रशासन, यहाँ का एसपी कहता है 47 दिन तक क्या झक मार रहे थे आप लोग, एक बहन के साथ, तीन बहनों के साथ बलात्कार हुआ, उनको मार के गार दिया गया, और यहाँ का एसपी, यहाँ का टीआई कौन से कोने में घुसे हुए थे, किसका दबाव था, किसका दबाव था। और यहाँ के विधायक को मैं कहना चाहता हूँ कि आप उसको दबंग मत बोलना, वो कुत्ता था। दबंग जो होता है वो लाचारों पे अत्याचार नहीं करता है, वो कुत्ता था, भेड़िया था, जिसने हमारी बहन को नाच नाच के खा गया। आज मैं यहाँ के पुलिस प्रशासन को कहना चाहता हूँ, मैं ऊपर इसलिए आया हूँ कि पुलिस वाले मुझे देखें। हम कायर कौम के लोग नहीं है जो बहन बेटियों के साथ अत्याचार करते हैं, हम लड़ाकू कौम के लोग हैं। हमारे रगों में जो खून बहता है वो लड़ने वाला खून होता है, हमारे रगों में डरने वाला खून नहीं होता है। यहाँ के जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री छाती फुला रहे हैं, 42 लाख रुपए ने तेरे बाप के पैसे दे के आ, शासन का पैसा था, वो अधिकार था उनका। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, आप भांजी बता दो प्रदेश की बेटियों को, प्रदेश के बेटों को भांजी बता दो। अरे अगर ओरिजिनल मामा होता घटना के तुरंत बाद तुम भांजों के घर आंसू पोंछने आ गए। साथियों, ये पूरे देश की पहली ऐसी घटना है, एक कब्र से 5 लाशें निकली है, एक कब्र से 5 लाशें निकली है, ये एक छोटी घटना नहीं है। और मैं साथियों में कहना चाहता हूँ, ये आदिवासी समाज, हर समाज के साथ अगर आज का अत्याचार होता है उसके साथ खड़ा रहेगा, लेकिन आज हमको मजबूरन उस बेटी को आदिवासी इसलिए कहना पड़ रहा है कि जो लोग आदिवासियों का फायदा उठाते हैं वो लोग बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम बोलना चाहते हैं। हम हमारी बहनों के लिए, न्याय के लिए आए हैं। अगर इस बीच छाती अड़ाना पड़े तो बहन कन्नौज की छाती सामने है। और दोस्तों, साथियों, मेरे युवा साथियों, आप सबको मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ का जो मीडिया है, बहुत सारा मीडिया हमारे साथ था, लेकिन एक अखबार की हमने हेडिंग पढ़ी, 2 दिन तक आदिवासी लिखता रहा और तीसरे दिन दलित लिखने लग गया। उसके प्रमाण हमारे पास है। मैं उनको कहना चाहता हूँ, अरे आपको पैसा चाहिए तो हमको बोलो, हम चंदा करके आपको पैसा देंगे, लेकिन जो सच्चाई है, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, आपने कौन सी जिम्मेदारी निभाई? ये कोई बोल रहा है प्रेम प्रसंग, कोई बोल रहा हत्या हुई है, अरे बलात्कार हुआ है, बलात्कार। यहाँ का पुलिस, यहाँ का टीआई, यहाँ का एसपी, यहाँ का एडिशनल एसपी, यहाँ का विधायक, सारे लोग मिले हुए, सारे लोग मिले हुए। अगर हमारी बहने 13 मई से अगर गायब थी, जब उसका मोबाइल चालू था, उसकी फेसबुक चल रही थी, तो तुमने उसका मोबाइल ट्रेस क्यों नहीं किया? तुमने मोबाइल लोकेशन के आधार पर उस केस को उजागर क्यों नहीं किया? लेकिन दुख इस बात का है साथियों, वो हमारे समाज की बहन है, हमारे समाज की माँ, हमारे समाज का एक छोटा नौजवान बच्चा, उसको आपने मार दिया, मारने के बाद गड्ढे में उनको डाल दिया, डालने के बाद यूरिया खाद डाल दिया,
नमक डाल दिया और यहाँ का पुलिस प्रशासन कहता है कि हमको 47 दिन बाद पता चला। मैं उनको कहना चाहता हूँ, आपने अभी 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूँ कि 7 लोग नहीं थे, वहाँ पे 30 लोग थे, 30 लोग थे। और उन बहनों के साथ बलात्कार हुआ और पुलिस की मिली भगत से बलात्कार के सबूत हटाने के लिए, मिटाने के लिए उसको 1.5 महीने तक जमीन में दफना के रखा ताकि उसका बलात्कार का सबूत हट जाए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, हम कानून को पसंद करते हैं, हम कानून को मानते हैं, हम संविधान को मानते हैं, वरना हम उसी खानदान से हैं, मौत का बदला मौत भी लेते आए हमारे पास। हम अभी बिरसा मुंडा को पढ़ रहे हैं, टंटे मामा को पढ़ रहे हैं, उनके विचारों पे चलने दीजिए, अगर वो बन गए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। आदिवासी युवा कमजोर नहीं है, आदिवासी युवा डरने वाला नहीं है, लड़ने वाला है। साथियों और आप सबको मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि ये जो आंदोलन है ये किसी एक संगठन का नहीं है, ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये सामाजिक आंदोलन है। यहाँ का नेतृत्व करता हर व्यक्ति है, वो समाज का वो बुजुर्ग व्यक्ति भी है जो कोने में बैठा है, वो भी इस आंदोलन का मुख्य कार्यकर्ता है। इसलिए आप सबको मैं कहना चाहता हूँ, आज हमारे समाज के लोग पूरे प्रदेश से यहाँ पर आए हुए हैं, आप लोग भी सुबह से बैठे होंगे, हम लोग भी 5 बजे से निकले हुए, क्योंकि आपके यहाँ से हम 500 किलोमीटर दूर रहते हैं। रास्ते में हम लोग आए, सब लोगों के साथ आए और सबका मकसद ये था कि आदिवासी के साथ जो अन्याय हुआ, जो अत्याचार हुआ, उसका अब हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे उस अन्याय अत्याचार का। तो साथियों, आप लोग दिन भर से हो, वक्ता सब यहाँ पर आए हुए हैं, और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में हमारे आदिवासी 47 विधायक हैं, 6 सांसद हैं और 1 राज्यसभा सांसद है। समाज की इतनी बड़ी घटना, समाज में इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन वो एसी वाले कमरे में सो रहे हैं।